राजनीति के राजा कहे जाने वाले कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जब 1993 में राजनीति में अपना कदम रखा तो पीछे मुड़ करके नहीं देखे। तमाम सरकारों में मंत्री रहे और देश के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ पारिवारिक संबंध है। कद और रसूख के बढ़ते के साथ साथ उनके विवादों से भी उनका गहरा नाता रहा। सन 2002 से 2007 के मध्य खाद्यान्न घोटाले में भी उनके पीआरओ रहे राजीव यादव ने सीबीआई को नोट सीट देकर उनके ऊपर आरोप लगाया। इन्हीं सब बातों पर ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कुंवर अच्छे प्रताप सिंह गोपाल भैया, जो पूर्व सांसद और वर्तमान में प्रतापगढ़ से विधान परिषद सदस्य भी हैं। गोपाल जी, ये पूरा आरोप राजा भैया के पीआरओ रहे राजीव यादव ने लगाया है कि 100 करोड़ से ज़्यादा का जो घोटाला है वो राजा भैया ने उसको इन्वेस्ट किया है, उसकी नोट सीट भी बकायदा उसने सीबीआई कोर्ट में पेश किया है। देखिए, ऐसा है कि कल हमने भी एक निजी चैनल में इस चीज़ को देखा और राजा भैया का पूरा परिवार इससे बहुत आहत है कि इस टाइप की न्यूज़ जो चलाई गई बिना सिर पैर के। ये रिट हुई थी विश्वनाथ चतुर्वेदी की तरफ से 2005 में, 2005 में रिट हुई थी जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर नहीं कि सरकार ने खुद ही सीबीआई का ऑर्डर कर दिया था, जिसके खिलाफ ये हाई कोर्ट गए। 2007 में याचिका खारिज कर दी गई, उसके बाद ये सीबीआई के आदेश कर दिया कि साहब इसकी जांच की जाए। सीबीआई में इन्होंने लिख के दिया, ये कोई उसमें वो नहीं थे कहीं भी कोर्ट में, जो 90-100 पन्ने का चार्जशीट या जो भी है कोर्ट में जो उन्होंने अपील की है उसमें कहीं भी राजू यादव का नाम नहीं, कहीं एक पन्ने में कहीं नाम नहीं। लेकिन फिर भी जब सीबीआई की जांच हुई तो उसमें सीबीआई ने उनके पत्र को लेते हुए उस पर भी जाँच किया और राजा भैया ने उस पर सहयोग किया। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट, चतुर्वेदी जी सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ से खारिज हो गई क्योंकि सीबीआई जांच ऑलरेडी चल रही थी तो उस पर खारिज हो गई। फिर वो हाई कोर्ट आए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं भी राजा भैया का, आदरणीय राजा भैया का नाम इसमें नहीं है। और सीबीआई ने, क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन दी थी सीबीआई में, तो उस बिंदु पर भी सीबीआई ने जांच किया और उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, जिसमें कि दो बार ये हाईकोर्ट से, और मायावती सरकार में इसके जब ये हाईकोर्ट में खारिज हुआ तो उसके खिलाफ जब अपील में गए तो उसके खिलाफ जो है मायावती सरकार में सरकार गई। और जहाँ तक इनकी बात है जो राजू यादव की, इनके ऊपर 9 मुकदमे ऑलरेडी हैं और खुद इसमें किया है वो, जिसको ये बता रहे हैं। इसमें हम राजा भैया परिवार की तरफ मानहानि भी करेंगे कि जब एक भी पेपर में उनका नाम नहीं है ऐसे व्यक्ति के बयान पर ये सब चलाना और किसी की छवि को धूमिल करना, क्योंकि इसके पहले भी 10-15 दिन पहले एक उनको नोटिस दी गई है मानहान की और दो एक हमारी तरफ से दी गई। इस तरह इस वजह से चौथे स्तंभ होते हुए इन्होंने इस टाइप का गलत न्यूज़ चलाई, आरोप लगा रहा है, नोट शीट भी दिया है कि उसमें राजा भैया के भी हस्ताक्षर हैं, उसके भी हस्ताक्षर, वो कैसा पेपर है, वो आप लोगों को जानकारी में है? हमें कोई जानकारी नहीं। कोई भी अगर पैसा लेगा तो उस रिसीव करके नहीं देगा ना। और दूसरा क्या है कि सीबीआई जिस उसी बिंदु पर जो उन्होंने लिख के दिया है, हालांकि सीबीआई का दायरा नहीं आता था क्योंकि हाईकोर्ट में तो अपील जो रिट है दूसरी चीज़ के लिए थी, रिट में वो शामिल नहीं थे। रिट में जब शामिल नहीं थे तो क्योंकि इसने चोरी किया था, उसमें राजा भैया ने इसको भगा दिया था, तो अपनी बचत में कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो इसलिए उसने सीबीआई में लिख के दिया ताकि हम जो है हमको सुरक्षा मिल जाए, और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी और इसको भगा दिया था इसलिए उसने इस टाइप की चीज़ें की। नहीं, सीबीआई ने कभी राजा भैया को बुलाया हो, पूछताछ किया हो कि आप? नहीं, सीबीआई ने जाके उन बिंदुओं पर राजा भैया से जानकारी ली थी और सारी पूछताछ की थी वहाँ पर जाके, क्योंकि ये कोर्ट से ऑर्डर तो था नहीं, सीबीआई का कोर्ट का ऑर्डर था नहीं, कोई चीज़ कोर्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर पे तो हुआ नहीं, सरकार के ऑर्डर पे कहीं राजा भैया का नाम था नहीं। जो अपील थी, अपील में केवल अधिकारियों के खिलाफ अपील थी, 20-25 अधिकारियों के खिलाफ और 2 जिलों का मामला था, उसमें कहीं राजा भैया का नाम नहीं था, इसलिए सरकार जो है सीबीआई जो है फिर भी जो एप्लीकेशन दी है उस पर सीबीआई ने जांच की थी, उसमें राजा भैया से भी जानकारी ली थी पूरी बात बिंदुओं पर, और उसकी भी किया था कि उनके सिग्नेचर और सारी चीज़ें नहीं, उसको क्लोजर भी चला गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट 2 बार गए थे लेकिन खारिज हो गए थे, लेकिन उसमें दूसरे मामले को लेकर गए थे, इनका मामला कहीं नहीं था, इनका नाम कहीं 100 पन्ने का रिट है उसमें कहीं भी राजू जो भी है उसका नाम नहीं है। आरोप लगा रहा है कि हम 10 साल से ज़्यादा समय हो गया हम कुंडा नहीं गए, अगर कुंडा जाएंगे तो मार दिए जाएंगे। देखिए, जब कुंडा में थे तो वो नंगे घूमते थे, कुछ था ही नहीं उनके पास में, और जब ये राजा भैया कह रहे तो इधर उधर उधर का उधर करके उन्होंने वहाँ पे जमीन ले ली, उनका कुछ रिलेटेड ससुराल या जो भी है, और उनके ऊपर ऑलरेडी हमने आपसे कहा 9 मुकदमे तो ऑलरेडी हैं, तो सूप बोले चलनियों बोले जग के 32 छेद,
ना वो खुद दिन भर स्मैक पिए मस्त रहता है, कहीं भी आप पता कर लीजिए जो है स्मैक पिए मस्त रहता है। फिर सबसे बड़ी बात तो जिम्मेदार जो निजी चैनल है वो उन्होंने कैसे चलाया बिना रेट देखे बिना कोर्ट का को आजकल तो कंप्यूटर में सारी चीज़ डाल दीजिए आ जाता, कहीं उनका नाम भी नहीं है ना उनकी कोई वो है उसमें सीबीआई जांच ऑलरेडी हो चुकी है कहीं पे उनका वो नहीं, उसके बाद भी उन्होंने उसके बयान पे चला दिया। भाई आप किसी कोई भी बयान दे दे कि साहब फला आदमी गलत है तो आप थोड़ा चला सकते हैं, आप जिम्मेदार उस पर हैं, चौथे स्तंभ हैं, आप इस तरह से किसी के बयान पे कैसे चला सकते हैं। इस पर भी राजा भैया परिवार की तरफ से मानहानि करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुरक्षा प्रताप सिंह गोपाल जी थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी निजी चैनल द्वारा ये खबरें दिखाई जा रही हैं वो एक षड्यंत्र के तहत दिखाई जा रही है और राजू यादव ने जो आरोप लगाए हैं वो सरासर निराधार और उसमें कोई साक्ष्य नहीं है, सिर्फ राजनीतिक स्टंट के लिए उसने इस तरह के आरोप लगाए हैं। कैमरामैन तीर्थंकर गुहा के साथ दिलीप कुमार सिंह, सारा समय लखनऊ।